स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय जाज शेख। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ ऑफ इट अकर्स टू का यूज़ हम लोग किस तरह के सेंटेंस में करते हैं। तो इट अकर्स टू का यूज़ हम लोग उस तरह के सेंटेंस में करते हैं जहाँ भी हमें सेंटेंस में कहना हो कि ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, उस तरह के सेंटेंस में हम लोग इट अकर्स टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है, तो इट अकर्स टू मी। तो आपका सवाल हो सकता है कि यहाँ पे हम थिंक का यूज़ क्यों नहीं कर सकते कि आई थिंक, यानी तो आई थिंक का मतलब होता है मुझे लगता है, ऐसा लगता है अगर सेंटेंस में कहना हो तो इट अकर्स टू का यूज़ करेंगे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर वन, अगर सेंटेंस में अगर हमें ऐसा कहना हो कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता इस बारे में, कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता इस बारे में, तुम्हें कुछ नहीं पता इस बारे में। देखिए इस तरह के सेंटेंस को आपको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि, तो इट अकर्स टू मी, इट अकर्स टू मी, इट अकर्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि डैट, तुम्हें कुछ नहीं पता इस बारे में। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ से ट्रांसलेट करना, तो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस मैटर, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस मैटर, अबाउट दिस मैटर, यानी इट अकर्स टू मी डैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस मैटर, जैसा लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता इस बारे में। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर टू, अगर ऐसा सेंटेंस में कहना हो कि तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि, तुम्हें ऐसा लगता है कि वह झूठ बोल रहा है, वह झूठ बोल रहा है, वह झूठ बोल रहा है। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस को भी कैसे ट्रांसलेट करना है, तो बहुत ही सिंपल है इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। जस्ट आपको बेसिक आपको याद रखना होगा कि इट अकर्स टू का यूज़ करना है। तो यहाँ भी सेंटेंस में देख सकते हैं कि ऐसा लगता है सेंटेंस में आया है, अब किसको लगता है, तो तुम्हें, तो इट अकर्स टू यू, इट अकर्स टू यू, इट अकर्स टू यू, तुम्हें ऐसा लगता है कि डैट, इट अकर्स टू यू डैट, वह झूठ बोल रहा है, तो ही इज टेलिंग अ लाई, ही इज टेलिंग अ लाई, ठीक है, कि वह झूठ, इट अकर्स टू यू डैट ही इज टेलिंग अ लाई, तुम्हें ऐसा लगता है कि वह झूठ बोल रहा है। तो बहुत ही सिंपल है इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। जस्ट आपको क्या करना होगा कि बेसिक आपको सिर्फ याद रखना, बेसिक आपको आप याद रखेंगे तो किसी भी तरह का सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, मतलब जो इससे मिलता जुलता होगा, यानी ऐसा लगता है अगर सेंटेंस वाला कोई भी ट्रांसलेशन होगा तो आप इजीली इट अकर्स टू का यूज़ करके सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।